हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, लाइंस एंड एंगल्स से इन फिगर 6.15। एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू इक्वल है और हमें प्रूव करना है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कौन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को वो कर सकता है जिसे ये पता हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जिनको ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है या सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, वो बात एक ही है, समझ आया। तो जिसे ये इंफॉर्मेशन है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, जिसे नहीं है वो थोड़ी उसके लिए वो भी कर सकता है लेकिन दूसरे तरीके से कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो करेंगे वो हम इसी लॉजिक के साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो गिवन है वो एक बार कॉपी कर लेते हैं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन मेंशन भी कर रखा हमने, कर दिया गिवन। इसके बाद आगे ये है कि एट बोथ साइड्स एंगल क्यू पी आर। अब देखो एंगल क्यू पी आर क्या है, बेसिकली एंगल क्यू पी आर है ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल है और पी क्यू आर ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ भी इसे ऐड कर रहे हैं और इसके साथ भी इसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कर देते हैं, देखते हैं करने के बाद क्या निकलता है। तो दोनों तरफ हमने प्लस का साइन लगा के एंगल क्यू पी आर को ऐड कर। अब एंगल पी क्यू आर यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल बनाते हैं ट्राइंगल के जो कि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है दैट इज इक्वल टू टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और दूसरी तरफ ये जो दो एंगल्स हैं पी आर क्यू यानी कि ये एंगल और क्यू पी आर यानी कि ये दोनों मिलके इसके अपोजिट हो जाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो बस वही है हम लिख देते हैं और जैसे ही हम लिखेंगे ये देखो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ थोड़े से करेक्शन की जरूरत है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सम ऑफ टू, एक तो टू यहाँ पे आएगा याद रखना, यहाँ पे आपको टू लिखना पड़ेगा टू है ना, और एक यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट। तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ट्राइंगल लिख देते तो और अच्छी बात है। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ, यहाँ पे लिख दिया ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ इट।
तो इस तरीके से कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और जब आप ऐसे लिख दोगे तो वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल पी आर, ठीक है। पी क्यू एस यानी कि ये एंगल है और इसके अपोजिशन में जो है दो इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरीके से ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर, वही हमने दे रखा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है बट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तभी आप करते हैं। एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं, हैंस प्रूफ एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर, ठीक है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि इन फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अलाइन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो लीनियर पेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए और एक आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट एंगल जो होता है यानी कि एंगल अराउंड अ पॉइंट वो 360 डिग्री होता है। तो अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते। देखिए कैसे, सबसे पहले जो मैंने बताया वो लिखना है हमने कि एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो हमने लिखा x प्लस y प्लस w प्लस z एंगल अराउंड अ पॉइंट। एंगल अराउंड अ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमने ये पॉइंट कंसीडर किया और इसके अराउंड पूरा गोल चक्कर यानी कि पूरा सर्कल वो 360 डिग्री होता है, ओके। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे देखो हमने क्या किया कि w प्लस z को x प्लस y लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है कि x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z, तो हमने वो यूज कर दिया। तो अच्छा इसके बाद भाई ऑब्वियसली बात है ये 2x और 2y हो गए, तो हमने 2 कॉमन लेके x प्लस y कर दिया। इसके बाद 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब x क्या है, x है ये वाला एंगल कौन सा, ये बी ओ सी, और y क्या है ए ओ सी, लिख दो दोनों को, दोनों लिख दिया, ओके। फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, ये क्या करते हैं फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, क्यों, क्योंकि एक लाइन के ऊपर है और एक रे, ये क्या है एक लाइन के ऊपर है, ये एक लाइन के ऊपर है और ये एक रे बन गई, ये 180 डिग्री, ओके। तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर, तो लीनियर पेयर तभी फॉर्म होता है जब एक सीधी लाइन के ऊपर एक रे हो। तो यहां हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक सीधी लाइन के ऊपर एक रे से फॉर्म हुए दो एंगल, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब क्योंकि सीधी लाइन हमने प्रूफ कर दी तो हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अब लिख पाएंगे कि हेंस एंगल ए ओ बी इज अ लाइन, बट इट्स नॉट एंगल, इसको गलत लिख दिया है, इसे करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं लिखना, एंगल नहीं लिखना, सिर्फ ए ओ बी लिखना, ये गलत है, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, ओके। अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है और आपको अपने इतनी नॉलेज गेन करनी है, कहीं कुछ गलत भी लिखा है तो आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर पाए और उसे करेक्ट करके आगे बढ़ सकें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR,
prove that angle ROS is equal to half bracket angle QOS minus angle POS, bracket close. Okay. अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में हम शुरुआत कहां से करें, मतलब व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेप। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम कहां से शुरुआत करें, कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। तो देखो, इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां दे रखा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो हम इसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी, क्यों, क्योंकि क्यू आर सॉरी ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू ठीक है। अब देखो, जो हमने लिखा है POR और ROP, वो ना तो इसमें POR है और ना ही ROP है, तो हम इनके साथ तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें ये जो गिवन है ROS, QOS और POS, इनकी टर्म्स कैसे करेंगे, देखिए जो एंगल POR है यानी कि ये वाला एंगल, ये दो एंगल से मिलके बना है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, स्प्लिट कर दो दोनों एंगल, तो स्प्लिट कर देते हैं, देखिए क्या हुआ, स्प्लिट एक हो जाएगा POS और एक हो जाएगा ROS। अच्छा, दूसरी तरफ जो ROQ है वो तो एक इंडिविजुअल एंगल है और हमें ROQ भी नहीं चाहिए क्योंकि ROQ हमारा जो प्रूव करने वाला उसमें है ही नहीं, तो उसको हम लिखेंगे एंगल QOS, एंगल क्यू ओ एस यानी कि यह पूरा एंगल, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस का मतलब होगा ये देखो ये पूरा एंगल क्यू ओ एस, और उसमें से फिर हमने ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला एंगल बच गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, समझ आया, ओके। अब देखो, अब हमारे पास वही टर्म्स है जो हमें रिक्वायर्ड, पी ओ एस यस वी वॉन्ट, आर ओ एस यस वी वॉन्ट, क्यू ओ एस यस वी वॉन्ट, आर ओ एस यस वी वॉन्ट, यानी अब वही टर्म्स आ गए जो हमें चाहिए। अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन रहेगी, इधर उधर करो और सॉल्व करो। तो सबसे पहले आर ओ एस को लेफ्ट से राइट में लिया और पी ओ एस को लेफ्ट से राइट, ठीक है, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, दोबारा बोल देता हूँ। सबसे पहले हमने आर ओ एस को राइट से लेफ्ट में लिया और फिर पी ओ एस को लेफ्ट से राइट में, ओके। आगे कैलकुलेट करते हैं, आर ओ एस तो सेम है तो टू आर ओ एस हो जाएगा और उसके बाद इस टू को उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड करेंगे और अब आप मैच कर सकते हैं, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना था। तो ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड, ओके। अब इस एक्सरसाइज के एक लास्ट क्वेश्चन और है तो वो मैं अभी करा के ये एक्सरसाइज खत्म करा रहा हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में क्या फिगर नहीं दे रखी, तो फिगर भी खुद ही बनानी पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट टी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ दे वाई क्यूब बाय 6 एंगल ZYP, find angle XYQ and reflex angle QPR. Sorry, QYP. तो पहले फिगर बनाते हैं, चलिए पहले एक एंगल बनाते हैं 64 डिग्री का, एंगल बना लिया, मैं मार्क कर देते हैं क्या क्या है
एक्स वाई जेड 64 डिग्री चलो हो गए। इसके बाद एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर देते हैं आगे, ये प्रोड्यूस हो गई, पॉइंट लिख देते हैं कि वाई क्यू बना लेते हैं, माफ कर देते हैं क्यू, तो ये फिगर हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो फिगर है, इस फिगर से आप देख सकते हो कि एक्स वाई जेड और जेड वाई पी एक लीनियर पेयर फॉर्म का। क्यों पेयर करते हैं? क्योंकि ये जो लाइन है एक्स वाई पी है ना, मतलब एक्स वाई को एक्सटेंड करके बनाई थी ना ये पी, एक्स वाई को हमने एक्सटेंड किया था पी तक, प्रोड्यूस किया था पी तक, तो ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे ये रे है, तो ऐसी केस ऐसी कंडीशन में लीनियर पेयर बनता है, तो हमने लीनियर पेयर बना दिया, हमने इसे मेंशन कर दिया। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स वाई जेड की सब्स्टिट्यूट करते हैं, और एक्स वाई वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हुआ कि जेड वाई पी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जेड वाई पी कैलकुलेट हो गया और ये आ गया हमारा 116। ठीक है, यानी कि ये वाला ये है 116 डिग्री। अच्छा हमें ये भी दे रखा है कि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्टर, तो ये जो है ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब है 116 का हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, तो 116 का हाफ कितना हुआ 58, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 58 डिग्री और सेम ये 58 डिग्री। चलो आगे देखते हैं आगे क्या करना है। यस वही है जो मैंने बताया, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, देयरफॉर जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू, पी वाई क्यू और क्यू वाई पी वो तो एक ही बात है, 116 को डिवाइड कर दिया 2 से 58 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू अगर आप देखें तो एक्स वाई क्यू क्या है, देखो कौन सा एंगल है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्या है, ये दो एंगल से बना है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। देखो वही हमने किया, एक्स वाई क्यू को एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू ऐसे, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, 64 तो मैं क्वेश्चन में ही दे रखी थी और जेड वाई क्यू की हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 58, दोनों प्लस का दो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा अब क्या रह गया, अब रह गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी कि ये एंगल है हमारा, हमें पता ही है ये तो 58 डिग्री है, लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है इसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैसे होगा, ये 360 में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, तो मतलब डायरेक्ट आंसर में लिख दिया एक्स वाई क्यू 120 किया एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई भी कर दिया 360 माइनस 58 यानी 302 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। ओके चलो फिर जल्दी ही हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, जो ना आए वो पूछो, बार बार पूछो और बार बार करो, क्योंकि जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ही अच्छे से मैथ्स आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस की चीज है, रिविजन मांगता है मैथ्स। ओके चलो, थैंक यू।